हेलो दोस्तों, आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। दोस्तों मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आपको दिखा रहा हूँ प्योर सागवान। ये देखिए पूरा फट्टा आप देख सकते हो, बिल्कुल एकदम पक्का सागवान, बढ़िया रेशे का, शानदार जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना निगम का माल, सीपी सागवान जिसको बोलते हैं वो ये होता है। ये देखिए क्वालिटी में दिखा देता हूँ आपको, सारा जो है इनके दरवाजे बनाए जा रहे हैं, इनको जोड़ लगाने के लिए, इनको एक जगह जोड़ लगाने के लिए इनको स्टार किया जा रहा है, फिनिशिंग लगाई जा रही है इसको। अब ये डिज़ाइन वाले दरवाजे हमारे तैयार हो रहे हैं, तो इनको और लकड़ी एक नंबर की बिल्कुल प्योर, जिसको सीपी सागवान बोलते हैं। और ये दोस्तों ये निगम का उत्तराखंड का हमारे पास सागवान आता है, मैं आपको बता दूं, क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये पहले आप क्वालिटी देख लीजिए, अगर हमारे सागवान की क्वालिटी और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें ऑर्डर ज़रूर करना जो इस नंबर पर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये क्वालिटी हमारे पास है, ये देखो जितने फट्टे लगे हुए हैं ना, इसके नीचे का फट्टा देखो, ये जितने लगे हुए हैं सब एक ही क्वालिटी है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत रेशा होता है। ये देखिए दरवाजे जोड़ लगाने के लिए इनको सेटिंग बनाई जा रही है। इस लकड़ी में क्या होता है मैं आपको बता दूं, एमपी और उत्तराखंड में जो फर्क होता है, सागवान एमपी की लोग बोलते हैं कि एमपी की बढ़िया होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि एमपी की सागवान जो होती है उसमें यह होता है कि उसकी जो ज़मीन होती है ना, जो रेशे के अलावा जो उसका ये वाला भाग होता है वो मतलब एक वाइटनेस होती है, मतलब काला रेशा और वाइटनेस ही, इसके अंदर खूबसूरती ये होती है कि इसके अंदर जो है ना ये ब्राउनपन होता है, पीलापन होता है, पीले में ये काला रेशा होता है, ये देखिए, तो इसकी खूबसूरती ज़्यादा आती है, इस लकड़ी के अंदर खूबसूरत ज़्यादा होता है, रेशा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता, इस वजह से जो है अब बहुत ज़्यादा डार्क रेशा, काला रेशा, उसके बाद में फिर वो तो उस पर धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं उस लकड़ी पर। ये जो लकड़ी उत्तराखंड की है ये लाइटली है कलर इसका, तो जब इसके ऊपर पॉलिश होता है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा आती है। लकड़ी एकदम पक्की होती है, वही पूरी अपनी पूरी उम्र का पेड़ होता है, जैसे कि मान लो अब ये देखिए आप, ये हमारा जो है 13 इंची का फट्टा है, ये वाला जो फट्टा है हमारे पास ये 13 इंची का है। अब 13 इंची चौड़ा फट्टा निकालने के लिए जाहिर बात है कम से कम 5 फुट गोलाई की लकड़ी चाहिए, तो इसी तरह से 5 फुट की गोलाई की लकड़ी को पेड़ बनने के लिए, निगम का पेड़ जो कि पहाड़ों में खड़ा हो और जिसको कभी कोई दाना पानी या पानी खाद पानी ना मिलता हो, तो वो कितने साल में यानी 25 से 30 साल की उम्र में ये पेड़ होता है, तो इसीलिए निगम का जो पेड़ होता है, निगम का जो पहाड़ों का माल होता है वो अपनी पूरी उम्र पर कटता है। और जो फार्मिंग वाले जो देसी पेड़ होते हैं ना, जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट जितना भी माल आ रहा है, चाहे वो आइवेरी का हो, चाहे वो आइवेरी का हो या हो आपका कोई भी इम्पोर्टेंट माल जितने भी आ रहे हैं, सब भाई साहब सब हाइब्रिड का है, सारा माल हाइब्रिड का फार्मिंग का आ रहा है, खूबसूरती उसमें इससे ज़्यादा होगी, उसकी वजह को उनको दवाइयाँ लगाई जाती हैं, रेशा उनका उसी हिसाब से लकड़ी के अंदर बनता है, मगर देले काम की नहीं होती, बिल्कुल कच्ची लकड़ी होती है। लकड़ी का मतलब कच्ची का मतलब ये हो नहीं कि वाइट कलर हो तभी कच्ची होगी, उसमें भाई साहब लाल कलर की आपकी ब्राउन कलर की लकड़ी भी वो बिल्कुल ऐसी होती है और उसको दीमक खा जाती है जल्दी। तो जितना भी आज के टाइम में दिल्ली गाज़ियाबाद या नोएडा लगा रहे हैं लोग, ज़्यादातर आइवरी लगा रहे हैं, लेकिन निगम के मुकाबले वो बिल्कुल ज़ीरो है, निगम की लकड़ी के मुकाबले वो लकड़ी बिल्कुल ज़ीरो है, नाम सागवान है लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो मकसद कहने का बताने का ये है, देखिए ये हमने पूरा दरवाज़ा बनाया है, ये आप इस दरवाजे को देख सकते हो, बिल्कुल प्योर एक नंबर सागवान, बढ़िया रेशे वाली ये रेशा देख सकते हो आप इसके फ्रेम के ऊपर, ये देखा, ये देखिए रेशा देखिए, ये चीज़ देखने वाली होती है। ये जो माल है ना, ये ऐसा माल होता है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी,
ये वाला माल एक बार आपने दरवाजे या चौखट इसके लगा दिए तो ये आपकी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके ऐसे ही रहेगा, यानी औलाद की औलाद भी आपको ये इस्तेमाल करती रहेगी। और जो वो बता रहा हूँ ना आईवेरी का जो माल होता है, जो सागवान फार्मिंग वाली आईवेरी की या इम्पोर्टेंट जो भी है, वो सब भाई साहब दीमक खा जाती है कुछ दिन बाद में। तो ज़िंदगी में आप एक बार घर बनाते हो, बार बार नहीं बनाते हो, इसलिए मेरा कहना ये है कि आप जो है सही डिसीज़न लें। दो पैसे महंगे लग जाए, अगर आप पैसे की इफरत है आपके पास तो दो पैसे महंगे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माल आपको एक नंबर होना चाहिए। यह हमारी मशीन मल्टीपर्पज़ मशीन है, हर काम इसे देखिए, चैन का काम भी, हॉल काटने का, इसको करने का बहुत से काम, सारे काम कर देती है ये, डिले बनाने का काम, सारे काम। अब कर लेते हैं रेट की बात। तो दोस्तों अगर इस क्वालिटी में आपको हमसे दरवाजे बनवाने हैं तो ये क्वालिटी के इस तरह के दरवाजे दिलेह वाले, ये दरवाजे कहलाए जाते हैं दिलेह वाले, यानी प्लेन दिलेह वाले। इसके अंदर अभी ये जो है ये पार्टीशन, ये इसके अंदर दिलेह डलेंगे, दो दिलेह इस साइड में आएंगे और पांच दिलेह इस साइड में आएंगे, तो ये होता है दिलेह वाला। तो ये 800 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से बनाते हैं हम। और ये वाले जो दरवाजे बनाए जा रहे हैं, ये वाले दोस्तों, ये पूरे पूरे फट्टे जोड़ के जो लंबे लंबे बनाए जा रहे हैं, ये बोलते हैं डिजाइनिंग वाले दरवाजे। तो ये डिजाइनिंग वाले दरवाजे आपको हम देंगे 1100 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से पक्का। अब ये फट्टे पूरे बन के तैयार हो गए हैं, यानी अब इसमें झीरी काट के इसको जोड़ लगाने का काम रह गया। अब इसमें आप देख लीजिए कि कितने परसेंट कच्चा है, कितने परसेंट पक्का है, यानी टोटल ये मान के चलिए कि 99% मैंने इसको पक्का ही कर दिया, 99 बल्कि 100% पक्का कर दिया है, 100% पक्का माल लगा दिया है। अब किसी दरवाजे में जैसे कि ये वाला फट्टा है, मैं आपको दिखाऊं, इस फट्टे को आप देखिए जो साइड में रखा है, तो इस फट्टे में ये हल्का वाइटनेस है, लेकिन जब आप इस फट्टे को इधर से देखोगे ना तो ये वाइटनेस खत्म है इसका। तो किसी फट्टे में इस तरह का कोई फट्टा वो साइड में लग जाएगा, नहीं तो ये देखिए सारे फट्टे मैंने 0-0 कर दिए और सारा एक नंबर माल बना दिया है। ये देखिए सारा एक नंबर माल बना दिया है, आपको देख के भाई साहब जब दरवाज़ा बनेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई कोई चीज़ बनाई है। और ये दरवाजे हमारे 6 दरवाजे हमें डिजाइनिंग वाले ये बनाने हैं, 6 दरवाजे बनाने हैं डिजाइनिंग वाले। डिजाइनिंग वाले 6 दरवाजे हमें बनाने हैं, तो इसके लिए माल अब तैयार कर रहे हैं। माल आपने देखा कि हर आदमी ऐसा माल नहीं लगाता है, पैसे तो पूरे लेते हैं लोग, लेकिन बस दुख यही होता है कि इस तरह का माल जो है नहीं लगाते हैं लोग। और हमारा क्या है कि हमारी पहली सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि हम पार्टी को माल बढ़िया दें, एक नंबर माल दें। अगर माल बढ़िया जाएगा, क्वालिटी बढ़िया जाएगी, तो हमारे पास बार बार जो है ऑर्डर आएंगे। ठीक है जी, चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा।